नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास कायाकल्प का पहला भाग। दोपहर का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, आकाश में तारे छिटके हुए थे। ऐसा सन्नाटा छा गया था मानो संसार से जीवन का लोप हो गया हो। हवा भी बंद हो गई थी, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। त्रिवेणी के घाट पर यात्रियों की ऐसी भीड़ थी जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वे सभी हिंदू जिसके दिल में श्रद्धा और धर्म का अनुराग था, भारत के हर एक प्रांत से इस महान अवसर पर त्रिवेणी की पावन धारा में अपने पापों का विसर्जन करने के लिए आ पहुंचे थे। मानो उस अंधेरे में भक्ति और विश्वास ने अधर्म पर छापा मारने के लिए अपनी असंख्य सेना सजाई हो। लोग इतने उत्साह से त्रिवेणी के संकरे घाट की ओर गिरते पड़ते लपके जाते थे कि यदि जल की शीतल धारा की जगह अग्नि का जलता हुआ कुंड होता तो भी लोग उसमें कूदते हुए जरा भी न झिझकते। कितने आदमी कुचले गए, कितने डूब गए, कितने खो गए, कितने अपंग हो गए, इसका अनुमान करना कठिन है। धर्म का विकट संग्राम था। एक तो सूर्य ग्रहण, उस पर यह असाधारण अद्भुत प्राकृतिक छटा, सारा दृश्य धार्मिक वृत्तियों को जगाने वाला था। दोपहर को तारों का प्रकाश माया के पर्दे को फाड़ कर आत्मा को आलोकित करता हुआ मालूम होता था। वैज्ञानिकों की बात जाने दीजिए, पर जनता में न जाने कितने दिनों से वह विश्वास फैला हुआ था कि तारागण दिन को कहीं किसी सागर में डूब जाते हैं। आज वही तारागण आंखों के सामने चमक रहे थे, फिर भक्ति क्यों ना जाग उठे, सद्वृत्तियां क्यों ना आंखें खोल दे। घंटे भर के बाद फिर प्रकाश होने लगा, तारागण फिर अदृश्य हो गए, सूर्य भगवान की समाधि टूटने लगी। यात्रीगण अपने अपने पापों की गठरियां त्रिवेणी में डालकर जाने लगे। संध्या होते होते घाट पर सन्नाटा छा गया। हाँ, कुछ घायल, कुछ अधमरे प्राणी जहां तहां पड़े कराह रहे थे, और ऊंचे कगार से कुछ दूर एक नाली में पड़ी 3-4 साल की एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। सेवा समितियों के युवक जो अब तक भीड़ संभालने का विफल प्रयत्न कर रहे थे, अब डोलियां कंधों पर ले लेकर घायलों और भूले भटकों की खबर लेने आ पहुंचे। सेवा और दया का कितना अनुपम दृश्य था। सहसा एक युवक के कानों में उस बालिका के रोने की आवाज पड़ी। अपने साथी से बोला, यशोदा नंदन, उधर कोई बच्चा रो रहा है। यशोदा नंदन, हाँ मालूम तो होता है, इन मूर्खों को कोई कैसे समझाए कि यहां बच्चों को लाने का काम नहीं, चलो देखें। दोनों ने उधर जाकर देखा तो एक बालिका नाली में पड़ी रो रही है। गोरा रंग था, भरा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुखरा, सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई, किसी अच्छे घर की लड़की दिखाई पड़ती थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। इन दोनों युवकों को देखकर वह डरी और चिल्ला कर रोने लगी। यशोदा नंदन ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोला, बेटी रो मत, हम तुझे तेरी अम्मा के घर पहुंचा देंगे, तुझे ही खोज रहे थे, तेरे बाप का क्या नाम है। लड़की चुप तो हो गई, पर संशय की दृष्टि से उन्हें देख देख कर सिसक रही थी। वह यशोदा नंदन के इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सकी। यशोदा नंदन ने फिर चुमकार कर पूछा, बेटी तेरा घर कहाँ है। लड़की ने कोई जवाब न दिया। यशोदा नंदन, अब बताओ महमूद क्या करे। महमूद एक अमीर मुसलमान का लड़का था। यशोदा नंदन से उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, उसके साथ वह भी सेवा समिति में दाखिल हो गया था। वह बोला, क्या बताऊं, कैंप में ले चलो, शायद कुछ पता चले। यशोदा नंदन, अब आगे जरा जरा से बच्चों को लाते हैं और इतना भी नहीं करते कि उन्हें अपना नाम और पता तो याद करा दें। महमूद, क्यों बिटिया, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है। लड़की ने धीरे से कहा, बाबूजी। महमूद, तुम्हारा घर इसी शहर में है या कहीं और। लड़की,
मैं तो बाबूजी के साथ लेल पर आई थी। महमूद, तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? लड़की, कुछ नहीं करते। यशोदानंदन, इस वक्त अगर इसका बाप मिल जाए तो सच कहता हूँ, बिना मारे ना छोड़ूं। बच्चू गहने पहना कर लाए थे, जाने को तमाशा देखने आए हो। महमूद, और मेरा जी चाहता है कि तुम्हें पीटूं। मियाँ बीबी यहाँ आए तो बच्चे को किस पर छोड़ाते? घर में और कोई ना हो तो? यशोदानंदन, तो फिर उन्हीं को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? महमूद, तुम एथिस्ट हो, तुम क्या जानो कि सच्चा मजहबी जोश किसे कहते हैं? यशोदानंदन, ऐसे मजहबी जोश को दूर से ही सलाम करता हूँ। इस वक्त दोनों मियाँ बीबी हाय हाय कर रहे होंगे। महमूद, कौन जाने, वे भी कहीं कुचल कुचला गए हो। लड़की ने साहस कर कहा, तुम हमें घर पहुंचा दोगे? बाबूजी तुमको पहचान देंगे। यशोदानंदन, अच्छा बेटी, चलो तुम्हारे बाबूजी को खोजें। दोनों मित्र बालिका को लिए हुए कैंप में आए। यहाँ पर कुछ पता न चला। तब दोनों उस तरफ गए जहाँ मैदान में बहुत से यात्री पड़े हुए थे। महमूद ने बालिका को कंधे पर बैठा लिया और यशोदानंदन चारों तरफ चिल्लाते फिरे, यह किसकी लड़की है? किसी की लड़की तो नहीं खो गई? ये आवाजें सुनकर कितने ही यात्री हाँ हाँ कहाँ कहाँ करके दौड़े, पर लड़की को देखकर निराश लौट गए। चिराग जले तक दोनों मित्र घूमते रहे, नीचे ऊपर किले के आसपास, रेल के स्टेशन पर। आलोपी देवी के मंदिर की तरफ यात्री ही यात्री पड़े हुए थे, पर बालिका के माता पिता का कहीं पता न चला। आखिर निराश होकर दोनों आदमी कैंप लौट आए। दूसरे दिन समिति के और कई सेवकों ने फिर पता लगाना शुरू किया। दिन भर दौड़े, सारा प्रयाग छान मारा, सभी धर्मशालाओं की खाक छानी, पर कहीं पता न चला। तीसरे दिन समाचार पत्रों में नोटिस दिया गया और दो दिन वहां और रहकर समिति आगरा लौट गई। लड़की को भी अपने साथ ले दी गई। उसे आशा थी कि समाचार पत्रों से शायद सफलता मिल जाए। जब समाचार पत्रों से कुछ पता न चला, तब विवश होकर कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं के अनाथालय में रख दिया। महाशय यशोदानंदन ही उस अनाथालय के मैनेजर थे। बनारस में महात्मा कबीर के चौरे के निकट मुंशी वज्रधर सिंह का मकान है। आप हैं तो राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते हैं और कहते हैं मुंशी की उपाधि से आपको बहुत प्रेम है। ठाकुर के साथ आपको गंवारपन का बोध होता है, इसीलिए हम भी आपको मुंशी जी कहेंगे। आप कई साल से सरकारी पेंशन पाते हैं। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 मास से अधिक न रहे और उतने दिन भी केवल एवज पर रहे, पर आप अपने को साबिक तहसीलदार लिखते हैं और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने के लिए तहसीलदार साहब ही कहते थे। यह नाम सुनकर आप खुशी से अकर जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपये मिलती थी, इसीलिए तहसीलदार साहब को बाजार हाट खुद ही करनी पड़ती थी। घर में 4 प्राणियों का खर्च था, एक लड़की थी, एक लड़का और स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना जहीन था कि अपने पिता के पेंशन के जमाने में जब घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी, केवल अपने बुद्धि बल से उसने MA की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले से ही सिफारिश पहुंचानी शुरू कर दी थी। दरबारी की कला में वे निपुण थे। हुक्काम को सलाम करने का उन्हें मरज था। हाकिमों के दिए हुए सैकड़ों प्रशंसा पत्र उनकी अतुलनीय संपत्ति थे। उन्हें वे बड़े गर्व से दूसरों को दिखाया करते थे। कोई नया हाकिम आए, उसे जरूर रब्त जब्त कर लेते थे। हुक्काम ने चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा, तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मुंशी जी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर,
मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। वज्रधर, वह खब्द तुम्हें कब से सवार हुआ? नौकरी के सिवा और करोगे ही क्या? चक्रधर, मैं आजाद रहना चाहता हूं। वज्रधर, आजाद रहना था तो एमए क्यों किया? चक्रधर, इसीलिए कि आजादी का महत्व समझ सकूं। उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन बकचक मस्ती रहती थी। मुंशी जी बुढ़ापे में भी शौकीन आदमी थे। अच्छा खाने और अच्छा पहनने की इच्छा अभी तक बनी हुई थी। अभी तक इसी ख्याल से दिल को समझाते थे कि लड़का नौकर हो जाएगा तो मौज करेंगे। अब लड़के का रंग देखकर बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते थे। अभी तुम्हें कुछ नहीं सूझती, जब मैं मर जाऊंगा तब सूझेगी, तब सिर पर हाथ रखकर रोओगे। लाख बार कह दिया बेटा, यह जमाना खुशामद और सलामी का है, तुम विद्या के सागर बने बैठे हो, कोई सेंध भी ना पूछेगा। तुम बैठे आजादी का मजा उठा रहे हो और तुम्हारे पीछे वाले बाजी मार जाते हैं। वह जमाना लद गया जब विद्वानों की कद्र होती थी, अब तो विद्वान टके सिर मिलते हैं, कोई बात भी नहीं पूछता। जैसे और चीजें बनाने के कारखाने खुल गए हैं, उसी तरह विद्वानों के कारखाने भी हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब तो ना देते, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जो मार्ग तय कर लिया था उससे वे ना हटते थे। उन्हें वह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। अगर पेट पालना ही जीवन का आदर्श हो तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मजदूर एक अक्षर भी नहीं जानता, फिर भी वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट बड़े मजे से पाल लेता है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊंचा ना हुआ तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या को साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी, वे भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं न जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वे सेवा कार्य में अग्रसर रहा करते थे और अब तो इसके सिवा उन्हें और कुछ सूझता भी न था। दोनों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था, वह दफ्तर में बैठकर कलम खींचने में कहा। इस प्रकार 2 साल गुजर गए। मुंशी वज्रधर ने समझा था, जब यह भूत इसके सर से उतर जाएगा, शादी ब्याह की फिक्र होगी तो आप ही आप नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। जवानी का नशा बहुत दिनों तक नहीं ठहरता, लेकिन जब 2 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण न दिखाई दिया तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। दुनिया का दस्तूर है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। तुम अपने घर को अंधेरा रखकर मस्जिद को रोशन करना चाहते हो? जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों की किस मुंह से मदद करेगा? मैं बुढ़ापे में खाने कपड़े को तरसूं और तुम दूसरों का कल्याण करते फिरो? मैंने तुम्हें पैदा किया है, दूसरों ने नहीं। मैंने तुम्हें पाला पोसा, दूसरों ने नहीं। मैं गोद में लेकर हकीम वैद्यों के द्वार द्वार दौड़ता फिरा, दूसरे नहीं। तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, दूसरों का नहीं। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह ना मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज में ही कोई जगह मिल सकती थी, वहां सभी उनका आदर करते थे, लेकिन यह उन्हें मंजूर ना था। वे कोई ऐसा धंधा चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करके अपने पिता की मदद कर सके। वे 1 घंटे से अधिक समय नहीं देना चाहते थे। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरिसेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए सुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा, 30 रुपये मासिक का वेतन रखा। कॉलेज का कोई भी अध्यापक इतने वेतन पर राजी न हुआ। आखिर उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको विश्वास था। दूसरे दिन से चक्रधर ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए। चक्रधर महीने के अंत में रुपए लाते और माता के हाथ पर रख देते। अपने लिए उन्हें रुपए की कोई जरूरत न थी। 2 मोटे कुर्तों पर साल काट देते थे। हाँ, पुस्तकों से उन्हें गहरी रुचि थी,
पर इसके लिए कॉलेज का पुस्तकालय खुला हुआ था। सेवा कार्य के लिए चंदे से रुपए आ जाते थे। मुंशी वज्रधर का मुंह भी कुछ सीधा हो गया। डरे कि इससे ज्यादा दबाऊं तो शायद यह भी हाथ से जाए। समझ गए कि जब तक विवाह की बेड़ी पांव में ना पड़ेगी या महाशय काबू में ना आएंगे, वे बेड़ी बनवाने का विचार करने लगे। मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए झेप होती थी। वे यही प्रयत्न करते थे कि ठाकुर साहब की उपस्थिति में ही उसे पढ़ाएं। यदि कभी ठाकुर साहब कहीं चले जाते तो चक्रधर को महान संकट का सामना करना पड़ता था। एक दिन चक्रधर इसी संकट में जा फंसे। ठाकुर साहब कहीं गए हुए थे। चक्रधर कुर्सी पर बैठे पर मनोरमा की ओर न ताक कर द्वार की ओर ताक रहे थे, मानो वहां बैठते डरते हों। मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसने 2-3 बार चक्रधर की ओर ताका, पर उन्हें द्वार की ओर ताकते देखकर फिर किताब देखने लगी। उसके मन में सीता वनवास पर एक शंका हुई थी और वह उसका समाधान करना चाहती थी। चक्रधर ने द्वार की ओर ताकते हुए पूछा, चुप क्यों बैठी हो? आज का पाठ क्यों नहीं पढ़ती? मनोरमा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, आज्ञा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कातर भाव से कहा। क्या बात है? मनोरमा, रामचंद्र ने सीता जी को घर से निकाला तो वे चली क्यों गई? चक्रधर, और क्या करती? मनोरमा, वे जाने से इनकार कर सकती थी। एक तो राज्य पर उनका अधिकार भी रामचंद्र ही के समान था, दूसरे वे निर्दोष थी। अगर वे यह अन्याय ना स्वीकार करती तो क्या उन पर कोई आपत्ति हो सकती थी? चक्रधर, हमारे यहाँ पुरुषों की आज्ञा मानना स्त्रियों का परम धर्म माना गया है। यदि सीता जी पति की आज्ञा न मानती तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती। मनोरमा, यह तो मैं जानती हूँ कि स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन क्या सभी दशाओं में? जब राजा साहब से साधारण प्रजा न्याय का दावा कर सकती है तो क्या उसकी स्त्री नहीं कर सकती? जब रामचंद्र ने सीता की परीक्षा ली थी और अंतःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना कहाँ का न्याय था? चक्रधर, राजधर्म का आदर्श स्थापित करने के लिए राजाज्ञा का पालन करना आवश्यक था। मनोरमा, तो क्या दोनों प्राणी जानते थे कि इस संसार के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं? इससे तो यह सिद्ध होता है कि वे कोई अभिनय कर रहे थे। अगर आदर्श भी मान लें तो यह ऐसा आदर्श है जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। यह आदर्श नहीं है, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो क्या आप ही सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़ गए। उनके मन में स्वयं ही यही शंका थी और लगभग इसी उम्र में हुई थी, पर वे इसका समाधान न कर सके थे। अब साफ साफ जवाब देने की जरूरत पड़ी तो बगले झांकने लगे। मनोरमा ने उन्हें चुप देखकर फिर पूछा, क्या आप भी उन्हें घर से निकाल देते? चक्रधर, नहीं, मैं तो शायद ना निकालता। मनोरमा, आप निंदा की जरा भी परवाह नहीं करते? चक्रधर, नहीं, मैं झूठी निंदा की परवाह नहीं करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठी, प्रफुल्लित होकर बोली, यही बात मेरे भी मन में थी। मैंने दादाजी से, भाई जी से, पंडित जी से, लौंगी अम्मा से, भाभी से यही शंका की, पर सब लोग यही कहते थे कि रामचंद्र तो भगवान है, उनके विषय में कोई शंका हो ही नहीं सकती। आपने आज मेरे मन की बात कही। मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। अब मैं उन लोगों को खूब आड़े हाथ लूंगी। उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया। पढ़ने लिखने से उसे विशेष रुचि हो गई। चक्रधर जो उसे काम करने को दे जाते वह उसे अवश्य पूरा करती। पहले की भांति अब हीले हवाले ना करती। जब उनके आने का समय होता तो पहले से ही आकर बैठ जाती और उनका इंतजार करती। अब उसे
उनसे अपने मन के भाव प्रकट करते हुए संकोच न होता। वह जानती थी कि कम से कम यहाँ उनका निरादर न होगा, उसकी हंसी न उड़ाई जाएगी। ठाकुर हरि सेवक सिंह की आदत थी कि पहले दो चार महीने तक तो नौकरों को वेतन ठीक समय पर दे देते, पर ज्यों ज्यों नौकर पुराना हो जाता था उन्हें उसके वेतन की याद भूलती जाती थी। उनके यहाँ कई नौकर ऐसे भी पड़े थे जिन्होंने वर्षों से अपने वेतन नहीं पाए थे, न चक्रधर संकोचवश मांगते थे। उधर घर में रोज तकरार हो जाती थी। मुंशी वज्रधर बार बार तकाजे करते, झुंझलाते, मांगते क्यों नहीं, क्या मुंह में दही जमा हुआ है या काम नहीं करते। लिहाज भले आदमी का किया जाता है, ऐसे लुच्चों का लिहाज नहीं किया जाता जो मुफ्त में काम कराना चाहते हैं। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब को एक पुर्जा, मतलब कागज के टुकड़े पर लिखा गया संक्षिप्त पत्र लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की लिखा पढ़ी कि उन्हें फुर्सत न थी। उन्होंने कहा, जो कुछ कहना हो वह खुद आकर कहें। चक्रधर झिझकते हुए गए और कुछ शिष्टाचार के बाद रुपए मांगे। चार महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी न मांगा, अब तो आपके पूरे 120 रुपए हो गए। मेरा हाथ इस वक्त तंग है, जरा आप 10-5 दिन ठहरिए, आपको महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाइए, 10-5 दिन में रुपए मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ कह न सके, लौटे पर मुंह पर घोर निराशा छाई हुई थी। आज दादाजी शायद जिंदा न छोड़ेंगे, इस ख्याल से उनका दिल कांपने लगा था। मनोरमा ने चक्रधर के पुर्जे को अपने पिता के पास ले जाते हुए पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी ने आपसे क्या कहा? चक्रधर उसके सामने रुपए पैसे का जिक्र नहीं करना चाहते थे, झेपते हुए बोले, कुछ नहीं। मनोरमा, आपको रुपए नहीं दिए? चक्रधर का मुंह लाल हो गया। मिल जाएंगे। मनोरमा, आपको 120 रुपए चाहिए ना? चक्रधर, इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। मनोरमा, जरूरत ना होती तो आप मांगते ही नहीं। दादाजी में बड़ा ऐब है कि किसी के रुपए देते हुए मोह लगता है। देखिए मैं जाकर। चक्रधर ने रोक कर कहा, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। मनोरमा नहीं मानी, तुरंत घर में गई और एक क्षण में पूरे रुपए लाकर मेज पर रख दिए, मानो कहीं गिने गिनाए हुए रखे हुए थे। चक्रधर, तुमने ठाकुर साहब को व्यर्थ कष्ट दिया। मनोरमा, मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया, उनसे तो कहा भी नहीं। दादाजी किसी की जरूरत नहीं समझते, अगर अपने लिए कभी मोटर मंगवानी हो तो तुरंत मंगवा लेंगे, पहाड़ों पर जाना हो तो तुरंत चले जाएंगे, पर जिसके रुपए देने हैं उसको ना देंगे। इसके बाद मनोरमा तो पढ़ने लगी, लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या आ पड़ी कि रुपए लूं या ना लूं। उन्होंने निश्चय किया कि ना लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वे उठ खड़े हुए और बिना रुपए लिए बाहर निकल आए। मनोरमा रुपए लिए पीछे पीछे बरामदे तक आई, बार बार कहती रही, इन्हें आप लेते जाइए, जब दादाजी दें तो मुझे लौटा दीजिएगा। पर चक्रधर ने एक ना सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है, उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेर उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उनके सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फरसी पी रहे हैं और नाई खरा पंखा झल रहा है। चक्रधर के प्राण सूख गए, अनुमान से तार गए कि यह महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। धीरे से बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा है? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है, क्या जन भर कंवारे में ही रहोगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी तो बड़ी देर से जुहाई हो रही है, आज क्यों इतनी देर लगाई? चक्रधर, यह है कौन? निर्मला, आगरा के कोई वकील है, मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूँ, जब यह यमदूत चला जाएगा तो आऊँगा। निर्मला, वाह रे शर्मिले,
तेरे जैसा लड़का तो देखा नहीं। आ जरा सिर में तेल डाल दूँ, बाल न जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर जाकर बैठ। चक्रधर, घर में भोजन भी है कि ब्याह ही कर देने का जी चाहता है? मैं कह देता हूँ ब्याह न करूँगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। श्रीही माता बेटे की यह बात भला कब सुनने वाली थी? उसने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर सिर में तेल डाल दिया। संदूक से एक धुला हुआ कुर्ता निकाल लाई और यूं पहनाने लगी जैसे कोई बच्चे को पहनाए। चक्रधर ने गर्दन फेर ली। निर्मला, मुझसे शरारत करेगा तो मार बैठूंगी, इधर ला सिर। क्या जन भर छुट्टे सांड बने रहने को जी चाहता है? क्या मुझसे मरते दम तक चूल्हा चक्की कराता रहेगा? कुछ दिनों तक तो बहू का सुख उठा लेने दे। चक्रधर, तुमसे कौन कहता है भोजन बनाने को? मैं कल से बना दिया करूंगा, मंगला को क्यों छोड़ रखा है? निर्मला, अब मैं मारने ही वाली हूं। आज तक कभी न मारा, पर आज पीट डालूंगी, नहीं तो जाकर चुपके से बाहर बैठ। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे क्या कर रहे हो, जरा यहां तो आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूं लेकिन कह देता हूं यह जुआ गले ना डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोलू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। निर्मला, सारी दुनिया जो करती है वही तुम्हें भी करना पड़ेगा, मनुष्य का जन्म होता ही किस लिए है? चक्रधर, हजारों काम है। निर्मला, रुपए आज भी नहीं लाए क्या? कैसे आदमी है कि चार चार महीने हो गए रुपए देने का नाम नहीं लेते? जाकर अपने दादा को किसी बहाने से भेज दो, कहीं से जाकर रुपए लाएं। कुछ दावत आवत का सामान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे नाम बड़े और दर्शन थोड़े। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदा नंदन ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, अब की सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैषम्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस स्नेह मृदुल आलिंगन और सहृदयतापूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर लिया। वे कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी वज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी, राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी थी क्या? राजा साहब की इन पर बड़ी कृपा है, बिल्कुल लड़कों की तरह मानते हैं, इनकी बातें सुनने से उनका जी नहीं भरता। फिर अपने नाई से बोले, देख चिलम बदल दे और जाकर झिनकू से कह दे सितार वितार लेकर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए। इधर ही से गणेश के घर जाकर कहना कि तहसीलदार साहब ने एक हांडी अच्छा दही मंगाया है, कह देना दही खराब हुआ तो दाम ना मिलेंगे। यह हुक्म देकर मुंशी जी घर में चले गए। उधर की फिक्र थी पर मेहमान को छोड़कर ना जा सकते थे, आज उनका ठाठ बाठ देखते ही बनता था। अपना अल्पकालीन तहसीलदारी के समय का अल्पाके का चोंगा निकाला था, उसी जमाने की मंदिल भी सिर पर थी, आंखों में सुरमा भी था, बालों में तेल भी, मानो उन्हीं का ब्याह होने वाला हो। चक्रधर शर्मा रहे थे, ये महाशय इनके वेश पर दिल में क्या कहते होंगे। राजा साहब की बात सुनकर तो वे घर से गए। मुंशी जी चले गए तो यशोदा नंदन बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो कुछ निश्चय नहीं किया है, हाँ यह इरादा है कि कुछ दिनों आजाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदा नंदन, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप जितने उत्साह से समिति को चला रहे हैं उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। आप जैसे उत्साही युवकों का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि मैं किस इरादे से आया हूँ। अगर मुझे धन या जायदाद की परवाह होती तो यहाँ ना आता। मेरी दृष्टि में चरित्र का जो मूल्य है वह और किसी वस्तु का नहीं। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, लेकिन मैं तो अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदा नंदन, ऐसी बात तो नहीं, इस वक्त भी जितने आदमी सेवा कार्य कर रहे हैं वे प्रायः सभी बाल बच्चे वाले आदमी हैं।
चक्रधर, इसी से तो सेवा कार्य इतना शिथिल है। यशोदानंदन, मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले स्त्री सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। उसे कपड़े का शौक नहीं, गहने का शौक नहीं, अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने की धुन नहीं। आपके साथ वह मोटे से मोटे वस्त्र और मोटे से मोटे भोजन में संतुष्ट रहेगी। अगर आप इसे अत्युक्ति ना समझें तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ईश्वर ने आपको उसके लिए ही बनाया है और उसको आपके लिए। सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है, घर के कामों में इतनी कुशल है कि मैं नहीं समझता उसके बिना मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। मेरी दो बहुएं हैं, लड़की की माँ है, किंतु सब के सब फूहड़, किसी में भी वह तमीज नहीं। रही शक्ल सूरत, वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यह कहकर यशोदा नंदन ने कहार से तस्वीर मंगाई और चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। लड़के को क्या खबर है कि मुझे बहू कैसे मिलेगी। स्त्री में कितने ही गुण हों लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद ना आई तो वह उसकी नजर में गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में दो चार बार मुलाकात भी हो जानी चाहिए। कन्या के लिए तो वे सब अनिवार्य हैं। पुरुष को स्त्री पसंद ना आई तो वह और भी शादियाँ कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद ना आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के मन में विचार मंथन होने लगा कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं? वहां देखते शर्म आती थी, मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाने बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे लेकिन रहा न गया। पान की तस्तरी और तस्वीर लिए वे घर चले आए। चाहते थे कि अपने घर में जाकर देखें कि निर्मला ने पूछा, क्या बातचीत हुई? कुछ देंगे दिलाएंगे कि वही 51 रुपए वालों में है? धन्यवाद।